ये था देखें कि मैं अपने मन की जो मेरा था कि मैं अगर 15, 16 या 18 घंटे टैक्सी ड्राइव कर रहा हूँ तो वो वक्त मैंने घर वालों के लिए निकाल दिया। तो फिर 24 घंटों में कुछ वक्त इंसान का अपना भी होता है, तो बुक लिखने के लिए जो मैंने वक्त निकाला ये मेरा अपना वक्त था। और शुरू में तो बाहर के कुछ लोगों को लगा कि यार आप ये नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कहा कि इंसान को मुमकिनात की तलाश में रहना चाहिए और यकीन जाने बड़ी मुश्किल थी, लेकिन ये बुक लिखते हुए मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और आज शुक्र अल्लाह ताला का कि अपने मुल्क के तमाम बड़े टीवी चैनल्स हैं, इसके अलावा भी 5 गैर मुल्की टीवी चैनल्स जिसमें से 2 मेरे घर आए, जिसमें अलजजीरा टीवी और सोनी टीवी, और इसके अलावा भी जब मेरी गाड़ी चल रही होती है 100 गाड़ियों में से 90 लोग मुझे देख लेते हैं, तो बच्चे साथ जब होते हैं तो वो खुश होते हैं कि अब आपने एक ऐसा काम किया कि हिस्ट्री आपको जिंदा रखोगी, सो ये हमारे लिए भी एक ऑनर है। तो ये फिर अच्छा उस वक्त उस तरह से एक क्लियर नहीं था उनके माइंड में क्या होने जा रहे हैं क्या, लेकिन मेरे जहन में ये चीज़ें थी कि ये इस तरह होगा, कुछ मैंने ज़रूर ऐसा सोचा था और आई थिंक कि वो तकरीबन उस ट्रैक पे चल रहा है। और आज जो ये आपने भी ये सफर ऑर्गेनाइज किया, ये मुझे दावत दी, तो मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि रस्मन नहीं बल्कि तहे दिल से आपकी जो हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी किताब वाला जो बंदा होता है ना वो सोचता है जी जी कि मैं जो लिख रहा हूँ किताब जी जी तो ये कोई छाते कभी कि नहीं, और दूसरी बात ये है कि इसमें जो मैं बातें लिख रहा हूँ बिल्कुल बेवकूफी तो नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ऐसी बातें नहीं देनी है। नहीं ऐसी बातें नहीं, मैं एक चीज़ अभी मैंने कुछ देर पहले बात की कि इंसान मुमकिनात की तलाश में रहना है, जिंदगी के बंद रास्तों को खुले रहना, तो जब आप एक अजम और एक हौसला आपके अंदर है ना तो वो आपकी बहुत सी ऐसी जो खामियां हैं उसको ऑटोमेटिकली पीछे छोड़ता है। मुझे ये नहीं पता था कि 1000 कॉपी प्रिंट अगर आप अपने पैसे से करवाते हैं तो पब्लिशर आपसे मांगेगा तकरीबन 60 से 80-85 हज़ार रुपया, तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मेरी गाड़ी 4-5 माह से रोड पर खड़ी, लेकिन मेरे अंदर एक अज़म था, एक हौसला था, एक लोगों को एक नया पैगाम देना था, एक मिसाल कायम करनी थी, तो मेरे जहन में ऐसी बातें शायद आई हों, लेकिन मैंने चूँकि कुछ करना था तो मैं इन परेशानियों या इन इस तरह के उन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी नहीं हूँ। हाँ ये जो बात मैं आपको कहूँ कि ये टैक्सी अगर मैं इसको कहूँ ना ये सिर्फ मेरे लिए टैक्सी है, ये मेरे लिए सिर्फ टैक्सी नहीं है, ये एक ऐसा मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट कह लें मेरे हाथ में आया हुआ है कि मैं इसको जिस आंख से भी देखूँ ना तो वो मुझे मेरे मकसद की ये लगती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे लिए यूनिवर्सिटी थी तो मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए यूनिवर्सिटी, क्योंकि टैक्सी में हर तबके के लोग बैठते हैं और हर इलाके के बैठते हैं, फॉरनर भी काफ़ी दफ़ा इतना पार्क खुला बैठ जाते हैं, वो कि मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता ग्रामेटिकली लेकिन कुछ मुनासिब से बात कर लें, तो उसमें ये था कि पब्लिक मेरे लिए आईना रही, लोगों से जब गपशप होती तो लोग ये कहते कि आप एक तो टैक्सी ड्राइवर नहीं लगते हैं, दूसरा आपकी सोच ज़रा मुख्तलिफ है, तो बल्कि मैं ए आर वाई से बात कर रहा, कोशिश मैंने की हर टी वी से एक मुख्तलिफ बात की जाए, तो ए आर वाई से जब मैं बात कर रहा था तो उन्हें मैंने यही कहा था कि मेरी गाड़ी में 4 आए हैं, एक मेरा ये राइट वाला, एक बैक मैनर, एक लेफ्ट, और पब्लिक मेरे लिए जो था जिसमें मैंने इतने आपको लिखा, तो आपने सिर्फ जज किया चूंकि हम मीडिया लिख लिया पाकिस्तानी सोसाइटी, तो यहाँ मोस्टली होता यही है, तो लेकिन चूंकि मैंने किताब लिखी उसमें कोशिश मैंने ये की कि घर वालों को बताया जाए कि जब बात होती है कि इज्जत एक अलहदा चीज़ है, शोहरत एक अलहदा चीज़ है, पैसा एक अलहदा चीज़ है, बाद मामला बंदे के हाथ में है, बाद मामला भी होते, बल्कि लोग मुझे कहते हैं आप इतने पढ़े लिखे, हालांकि मैंने एफिक किया हुआ है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है इसके अलावा भी बंदा बहुत कुछ सीखता है, चूँकि एजुकेशन के आप 0 लेवल पर आ गया, मैंने साबित कर दिया, मैंने इसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी जो मैंने बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एफ ए तक जो तालीम हासिल की उसका कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि मुझे ये पता है कि मुझे एफ ए ने लिखना पढ़ना सिखाया था, उसमें आपको इतना फायदा भी नहीं हुआ होगा जी हाँ, तो तालीम से आपको इतना फायदा नहीं, बल्कि मेंटल एजुकेशन जो आपने खुद की है उससे आप लेना चाहूँगा, तो
उसमें ये बताएंगे उसमें क्या जब अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है वो राजी हो गया वो एक अलहदा इशू बंदे की एफर्ट होती है उसने क्या भी होती है तो वो उसको कम अज कम जरूर बात ये है कि बंदे मंजिल को करीब से पा लेते हैं बात थोड़ा वक्त बात लेकिन मैं इस हवाले से कभी भी नहीं सोचा कि मैंने कोई बिलियनेयर होना है या ट्रिलियनेयर होना है। मैं यकीन जाने लोग जब चलते हुए मेरी गाड़ी की तस्वीर उतार रहे होते हैं या कहीं से कॉल आ जाए कहीं से मैसेज आ जाए लोग अप्रिशिएट करते हैं तो ये मेरी इनर सेटिस्फेक्शन है ना तो ये मेरी भूख को ख़त्म कर देती है तो यही मेरे लिए सब कुछ था और मैं समझता हूँ कि आई एम सेटिस्फाइड बट अपने सफर को कैरी करूँगा। सफर कर ली जी तू भी सफर कर ली आप बताइए जब आप पहली दफे जा रहे थे पब्लिशर के पास जी जी तो आप तो क्या चीज कर रहे थे आप डर रहे थे या एप्रिहेंसिव थे कि अब क्या बनेगा किताब तो लिखी आगे छपेगी कैसे ये मेरे दिल में परेशानी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कोशिश किया कि परेशानी को कभी भी अपने करीब ना आए मैंने जब एक काम वो परेशानी तो खुद आ जाती है आप अगर नहीं वो ये बंदे ने इसको ब्लॉक करना होता है तो कर लेता बंदा उसको अगर मैंने ये वो चीजें की होती तो आप नॉर्मल सोसाइटी में देखें क्या हो रहा है कि लोग जब माशी बदारी का शिकार होते हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं जरदारियों को गिलानियों को सोसाइटी को रिलेटिव को और बहुत से इधर लेकिन मैंने एफर्ट की और ये सिर्फ अपने लिए नहीं मैं एक मिसाल कायम करना आज मुझे खुशी होती है कि आप अगर गूगल पर पहले मेरा नाम था मेरी वेबसाइट भी नहीं है मुझे ईमेल जब मैं कर रहा हूँ तो उसके साथ अटैचमेंट भी करना अभी तक नहीं आती है लेकिन मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ तो मेरे दिन में जब मैंने देखा कि गूगल पे द न्यूज़ और इसके डेली टाइम्स के कुछ ब्लॉग्स आ रहे थे तो मैं इस सफर को चुके दुनिया में लेके जाना चाहती हूँ मैंने इसकी गाड़ी पर लिख दिया सर्च ऑन गूगल फिर तफाक से एक दिन फ्रेंच इसका एजेंसी फ्रांस प्रेस की फोटो जर्नलिस्ट ने तस्वीर उतारी और वो तस्वीर फिर अमेरिकन सान फ्रांसिस्को वीकली मैगजीन है उसकी एक रिपोर्टर है एलेक्सिया उन्होंने उस पर स्टोरी बना दी कि तो